प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रस्तुत करता है नारी सुरक्षा वंदे मातृ। भारत जो एक संस्कृति संपन्न देश है जिसमें नारी परिवार तथा समाज की सबसे बड़ी इकाई है। नारी सेवा ममता कल्याण त्याग और उच्च मूल्यों की सजीव प्रतिमा है। इतिहास साक्षी है कि विश्व के महान से महान चरित्रों चाहे शिवाजी महाराज हो या लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी हो या लाला लाजपत राय इन सभी को गढ़ने में माताओं का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है। इसलिए ही तो सभी के दिलों में वंदे मातरम की आवाज गूंजती है। भारत देश को भी भारत माता के नाम से संबोधित किया जाता है। पुरातन काल से माता गुरु के रूप में भी पूजती आई है। व्यक्ति निर्माण से लेकर विश्व निर्माण तक महिलाओं के महत्व और भूमिका से कौन अनजान है। महिला को अंग्रेजी में वुमन कहते हैं WOMEN। W अर्थात विल पावर। विल पावर मनोबल को प्रतिबिंबित करता है। उच्च मनोबल द्वारा नारी ने आज हर क्षेत्र में अपनी योग्यताएं साबित की है। राजनीतिक सामाजिक नैतिक आर्थिक क्षेत्रों में तो वह अग्रसर है ही, लेकिन ऊंचे पर्वतों के शिखर को छूते हुए आज वह चांद पर भी पहुंच गई है। ओ अर्थात वननेस, एक ही लगन में मगन हो जाना। जहां भी मनुष्य की लगन लग जाती है वहां उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ही देखें, मीराबाई ने एक कृष्ण से लगन लगाकर अपने आराध्य समान उच्च स्थिति को प्राप्त किया। M अर्थात माइट, शक्ति। जब आत्मा की आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाती है तो नारी अबला नहीं शक्ति स्वरूप बन जाती है। शिव शक्ति दुर्गा काली अम्बा बनकर वह विश्व के दुर्गुणों एवं बुराइयों का विनाश करने के महान कार्य में सहयोगी बन जाती है। ई अर्थात एनलाइटनमेंट, दिव्यता। ज्ञान के प्रकाश से स्वाभाविक गुणों जैसे स्नेह त्याग सहनशीलता करुणा आदि में दिव्यता आ जाती है और नारी सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली जगदम्बा बन जाती है। एन अर्थात नोबिलिटी, उदारता। माँ का हृदय उदार विशाल होता है। अपने इस गुण से वह परिवार के सभी सदस्यों की कमियों को समाकर परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती है। नारी मातृशक्ति सेवा की जीवंत प्रतिमा है। व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग वह जागती ज्योति बन पूरे परिवार के लिए निस्वार्थ सेवा का प्रकाश देती रहती है। प्रकृति के समान नारी के स्वाभाविक संस्कार सहनशीलता धैर्य उदारता एवं दातापन के हैं। प्रकृति अपनी असीम संपदा से विश्व को संपन्न करती है और नारी भी अपने हर कार्य से परिवार में उन्नति एवं संपन्नता लाने का प्रयास करती है। जैसे सागर का पानी सूर्य की गर्मी से बादल बनकर जब खेत पहाड़ों मैदानों से बरसता है तो जड़ चेतन सभी प्रकृति की इस देन से खिल उठते हैं। ठीक इसी प्रकार नारी भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों की गर्मी को सह कर भी परिवार के सदस्यों को अपने प्रेम सफलता ममता से हर्षित रखने का प्रयास करती है। अपने इस गुण रूपी मूर्तियों से घर को सुरक्षित रखती है
अनेक ऐसी नारी चरित्रों से इतिहास गौरवान्वित हुआ है, जैसे झांसी की रानी अहिल्याबाई, माता जीजाबाई। नारी शक्ति महान है, सकल गुणों की खान है, सुखी और संपन्न जगत की नारी ही पहचान है, नारी ही पहचान है, नारी शक्ति महान है, सकल गुणों की। जिस प्रकार कुम्हार कच्ची मिट्टी के गोले को हाथों का सहारा देकर दर्शनीय एवं उपयोगी आकार में परिणित कर देता है, उसी प्रकार माँ भी अबोध बालक में स्नेहपूर्ण पालना एवं मार्गदर्शन से श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करती है। माता ही बालक का प्रथम गुरु है। नारी सृजन देवी के रूप में प्रतिष्ठित है, तो साथ साथ जीवन के विकास एवं निर्माण की भी जिम्मेवार है। भारतीय संस्कृति में नारी का गौरवपूर्ण पूज्य स्वरूप एवं आदिशक्ति देवी के रूप में सर्वगुण संपन्न स्वरूप विशेष प्रतिष्ठित है। लेकिन क्या आज की नारी सच में वंदनीय और पूजनीय है? 21वीं सदी में मानव ने चमत्कारिक उपलब्धियां हासिल की है, परंतु कुछ क्षेत्रों में आज भी अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुए हैं। पुरुष प्रधान संस्कृति में आज भी नारी वासना की गुड़िया बनकर रह गई है। मनुष्य की इस वासना वृत्ति के उच्छृंखलन होने का कारण है काम वृत्ति। नारी के प्रति अबला, भोग्या और दूसरे दर्जे की इस प्रकार का दृष्टिकोण और धर्म शास्त्रों में उसको अपमानित करने वाले निंदा सूचक तथा अन्यायकारी शब्द और वाक्य ही वह मवाद है जिसको पोंछा जाना आवश्यक है। पुरानी मान्यताओं के साथ साथ वर्तमान के भौतिकवादी आंख ने भी नारी के ईश्वरीय गुणों को पहचानने के बजाय उसे विज्ञापन का साधन तथा उसकी शारीरिक सुंदरता को निम्न स्तर की कमाई का साधन बना दिया है। उसका स्थान स्थान पर शारीरिक शोषण होता है और वो स्वयं भी अपनी अस्मिता को भूल पुरुष के कामी हथकंडों का शिकार होकर वासना की गुड़िया बनकर रह गई है। आज के मनुष्य की मनोस्थिति भयानक है। पुरुष अपनी राह से भटककर बहुत दूर निकल गया है। मनुष्य वासना का जीता जागता पुतला बन चुका है। मनुष्य की दृष्टि, वृत्ति और कृति काम वासना के रंग में पूरी तरह रंग चुकी है। शर्म की बात है, सच में बड़ी ही शर्म की बात है। आखिर कहां गई इस देश की सात्विकता, यहां का शील, यहां का वर्चस्व और यहां की पवित्रता? क्या आज का मानव इन मनोविकारों से अपने को बचा पाएगा? आज इस घोर कलयुग में सिर्फ एक द्रौपदी नहीं, लेकिन ऐसी अनेक द्रौपदियां हैं। तो आखिर कौन करेगा इनकी रक्षा? क्या आज की नारी समाज में अपना वह स्थान पुनः प्राप्त कर पाएगी? क्या आज का शासन नारी को सुरक्षा प्रदान कर सकता है? आखिर कौन बदलेगा इन कुरीतियों को? कौन बदलेगा इस सामाजिक व्यवस्था को? एक समय था जबकि नर और नारी के संबंधों में आध्यात्मिकता और दिव्य मर्यादा हुआ करती थी। तब नारी को विषय वासना का साधन न मानकर देवी माना जाता था। उच्च शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरण ने आधुनिक नारी को अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता का अनुभव कराया है। लेकिन दूसरी ओर अश्लीलता, मर्यादाहीनता का यह विष समाज में तीव्र गति से फैल रहा है। अब समय की पुकार है कि नारी अपनी सच्ची स्वतंत्रता को पहचाने, अपने चरित्र को उज्जवल बनाए। सादा जीवन, उच्च सकारात्मक विचार एवं आध्यात्मिकता का पालन ही उसे भोग्य से पूज्य और अबला से शक्ति संपन्न देवी बना सकता है। शक्ति जागती है।
पुनः आदि शक्ति के पूज्य स्थान पर प्रतिष्ठित करने का कार्य निराकार परमपिता परमात्मा शिव संगम युग पर परम धाम से इस साकार सृष्टि में आदि पिता ब्रह्मा के साकार तन में अवतरित होकर करते हैं। परमात्मा शिव ही सर्व आत्माओं के अविनाशी अनादि परमपिता है। परमात्मा शिव द्वारा प्रदत्त ज्ञान और योग की शिक्षा से नारी में आध्यात्मिक शक्ति का संचार होने लगता है। अनादि गुणों के अनुभव से उसका सोया स्वमान जागृत हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा शिव एवं प्रजापिता ब्रह्मा की अलौकिक मार्गदर्शन से साधारण नारी शक्ति स्वरूपा बन जाती है। हमें यह बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण का कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 76 वर्षों से बड़े प्रभावी ढंग से कर रही है। नर और नारी गृहस्थ रूपी रथ के दो पहिए हैं। यदि दोनों ही दिव्यता और योग के मार्ग को अपनाएं, तो नारी श्री लक्ष्मी के समान और नर श्री नारायण के समान बन सकते हैं। हमें पूरी आशा और विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद दर्शकगण नारी के प्रति अपने विचारों को बदलेंगे। स्वयं नारी भी नारी के प्रति और अपने प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलेगी। इस प्रकार दिव्य आदर्शों को जीवन में धारण कर नर और नारी दोनों के लिए कल्याणकारी और स्वच्छ समाज के निर्माण में सभी सहयोग दे सकेंगे। इसकी अधिक जानकारी के लिए ब्रह्मा कुमारीज के नजदीक सेवा केंद्र पर संपर्क करें। ओम शांति। जल में पलकर जीवन पाता जग सारा।